हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ एक रिचार्जेबल फ़ैन। इसको जो बनाना बहुत ही इजी है और ये जो बहुत ही कम खर्चे में बन भी जाता है। और इसका जो हवा है वो कूलर की तरह ही ठंडी ठंडी हवा है और आप इसको चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए पहले हमको ज़रूरत पड़ेगा दो डब्बे का। बड़े डब्बे को हम ले लेते हैं और उस बड़े डब्बे को खोल लेते हैं। खोलने के बाद ऊपर वाला जो ढक्कन है उसको हम एक होल कर देंगे। अब बॉक्स का जो पीछे वाला पार्ट है उसमें हम एक होल कर देंगे। होल करने के लिए हम लोग जो पेंसिल कंपास की मदद से एक मार्क कर लेते हैं। अब एक टिश्यू पेपर लेना पड़ेगा। अब टिश्यू पेपर को जो है होल में फेविक्विक की मदद से फिक्स कर देंगे। अब जरूरत पड़ेगा 3 वोल्ट का डीसी मोटर और 2 कार्डबोर्ड का पीस का भी ज़रूरत पड़ेगा। अब मोटर में कार्डबोर्ड का पीस चिपका देंगे। और मजबूती के लिए ग्लू स्टिक चिपका दिया और मोटर से दोनों वायर सोल्डरिंग कर दिया। अब मोटर को बॉक्स में ऐसे फिक्स कर देंगे ग्लू की मदद से। ग्लू स्टिक की मदद से मोटर को अच्छे से फिक्स कर दिया और यहाँ पर एक होल कर देंगे मोटर का वायर बाहर करने के लिए। मोटर का जो वायर होल करके बाहर कर दिया। अब एक प्रोपेलर लेंगे, प्रोपेलर को मोटर में फिक्स कर देंगे। अब एक लोहे का जाल ले लेंगे। अब जाल को बॉक्स में फिक्स कर देंगे जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब जो छोटा वाला बॉक्स था उसको ले लेंगे और उसको खोल देंगे। आप ज़रूरत पड़ेगा एक चार्जिंग मॉड्यूल का। आप इसको बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप इसको बना सकते हैं। और एक ऑन ऑफ स्विच लेना पड़ेगा। अब चार्जिंग मॉड्यूल और स्विच को बॉक्स में फिक्स करने के लिए बॉक्स में पेन की मदद से मार्क कर लेते। गाइस देख सकते हैं मैंने जो है होल कर दिया। आप इस स्विच और चार्जिंग मॉड्यूल को इस होल में फिक्स कर देंगे। अब लेना पड़ेगा एक 3.7 वोल्ट का बैटरी। अब जो है सारा कनेक्शन कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, मैं जो है इसका प्रोपेलर चेंज कर दिया हूँ, क्योंकि वो जो प्रोपेलर था वो बहुत ही कम हवा फेंक रहा था इसलिए। अब जो बॉक्स का ढक्कन उसको लॉक कर देते हैं। अब बड़े बॉक्स को ऐसे चिपका देंगे ग्लू की मदद से। गाइस, मैं जो है बॉक्स को चिपका दिया हूँ। अब थोड़ा लुक दे देते हैं येलो टेप की मदद से। गाइस, मेरा जो कूलर बनके रेडी हो चुका है, इसको आपको चलाकर दिखा रहा हूँ। इसका जो हवा उतना ठंड ठंडी नहीं आ रहा है। कूलर से ठंडी हवा पाने के लिए ये जो टिश्यू पेपर है, इस टिश्यू पेपर को गीला करना पड़ेगा। टिश्यू पेपर को गीला कर देते हैं। अब इसका जो एयर ठंडी ठंडी आ रहा है। अब इसका लुक देख सकते हैं। अब आपको इसे चलाकर दिखा रहा हूँ। इसका जो हवा बहुत ही ठंडी ठंडी है। अब आपको इसे चार्ज करके दिखा रहा हूँ। चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट का चार्जिंग का पिन ज़रूरत पड़ेगा और इसे इंसर्ट कर देंगे। ये जो बहुत ही अच्छे से चार्ज हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।